and now you can see the glow on my face. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all doing great and welcome back to a brand new video. So guys, in today's video I'm going to share my weekly skincare routine and I love to do skincare guys. मुझे जितना ज़्यादा मेकअप करना पसंद है उतना ही स्किन केयर करना भी पसंद है. स्किन केयर का मतलब होता है सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्पर. सो हम सबको सेल्फ पैम्पर करना पसंद होता है एंड आई लव टू डू दैट. आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. बट बिफोर जंप इन टू द वीडियो गाइस, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब बटन के पास जो छोटू सा बेल बटन है ना उसे भी प्रेस कर देना सो दैट जब मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आप लोग अपडेटेड रहोगे. सो गाइस नाउ विदाउट एनी मोर वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो गाइस स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ए क्लींजर और फेस वॉश. फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस फेस वॉश. दिस इज फ्रॉम आरएनजी एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. ये वाला फेस वॉश काफ़ी माइल्ड है एंड ऑल्सो इसका फ्रेग्रेंस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्प्रे सम वाटर ऑन माई फेस. सो मेरा फेस काफ़ी अच्छे से गीला हो गया है. नाउ मैं फेस वॉश को यूज़ करूँगी. नाउ मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी. सो गाइज आई एम बैक एंड सेकेंड स्टेप इज स्क्रब. फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्क्रब. आपको स्क्रब भी अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे से गीला कर लेना है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्क्रब क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है. आपके फेस में बिल्कुल भी हार्श फील नहीं होगा. इफ़ यू आर अ सेंसिटिव और ऑयली स्किन पर्सन देन यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस स्क्रब. एंड अगेन आपको सर्कुलर मोशन में वेरी जेंटली मसाज करना है. स्क्रब अप्लाई करने के बाद जोर से अपने स्किन को मत रब करो. आपके फेस के लिए हार्श हो सकता है. सो हमेशा वेरी जेंटली आपको मसाज करना है एंड नोज के अराउंड आप ऐसे अपने फिंगर्स के हेल्प से ऐसे रब करो सो दैट आपका जो ब्लैक हेड्स वगैरह है वो ईजीली हट जाए. तो गाइस नेक्स्ट स्टेप में मैं कोई फेस पैक अप्लाई करती हूँ. तो कभी मैं कोई रेडीमेड फेस पैक अप्लाई करती हूँ एंड कभी कभी मैं DIY फेस पैक भी अप्लाई करती हूँ. एंड मैं वीक में एक बार DIY कोई फेस पैक अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे DIY फेस पैक रेडीमेड फेस पैक से ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसका जो सारा इन्ग्रीडियंट्स होता है वो काफ़ी नेचुरल होता है एंड मुझे DIY स्किन केयर करना काफ़ी अच्छा लगता है. तो आज मैं बीटरूट फेस पैक बनाऊंगी. फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक सम बीटरूट पाउडर एंड सम रॉ मिल्क. सो गाइस मेरे पास है एक बोल. नाउ आई एम टेकिंग 1 tablespoon ऑफ बीटरूट पाउडर. ओके गाइस सो नाउ आई एम एडिंग 1/2 teaspoon ऑफ रॉ मिल्क एंड नाउ मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड एक थिक पेस्ट बना लूँगी. सो गाइस ये अच्छे से मिक्स हो चुका है. नाउ मैं इसको अपने फेस में अप्लाई करूँगी. सो गाइस फेस पैक अप्लाई करना हो गया है. नाउ मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी एंड ये जब ड्राई हो जाएगा अगेन मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी. सो गाइस नाउ आई एम गोइंग टू स्प्रे सम टोनर ऑन माय फेस. फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टोनर एंड मुझे टोनर यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है. काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग एंड कामिंग फील होता है. नाउ आई एम गोइंग टू डैप माय फेस जस्ट लाइक दिस. जब भी आप कोई टोनर अप्लाई करोगे हमेशा अपने फेस में ऐसे डैप डैप करो सो दैट आपके टोनर फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. एंड नाउ मैं 2 मिनट के लिए गैप छोड़ दूंगी सो दैट टोनर अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए. सो गाइस आफ्टर 2 मिनट मैं कोई भी सेरम अप्लाई करती हूँ. करेंटली आई एम यूजिंग दिस सेरम. दिस इज अगेन फ्रॉम RNG. Now you can see the glow on my face.
सो गाइज नेक्स्ट स्टेप पे मैं कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ. सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मॉइस्चराइजर. दिस इज गुड वाइब्स नीम एंड तुलसी जेल एंड ये पूरा जेल कंसिस्टेंसी का है. मैं ना ऑल्सो अंडर आइज पे भी जो मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ लिटिल बिट अंडर आइज पे भी उसको अप्लाई कर लेती हूँ सो दैट अंडर आइज भी हाइड्रेट लगे. सो लास्टली मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ करती हूँ लिप बाम. सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लिप बाम. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको आज का ये मेरा वीकली स्किन पैम्परिंग रूटीन अच्छा लगा है एंड आपने अभी तक आपके स्किन केयर फॉलो नहीं करते हो सो अभी से शुरू कर दो. इससे ना आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होगा एंड ऑल्सो पॉजिटिव एनर्जी आएगा आपके अंदर एंड ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग एंड कमिंग फील होगा. एंड मुझे गाइज डेफिनेटली कमेंट्स में बोलना आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा. एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइज, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब बटन के पास जो छोटू सा बेल बटन होगा उसे भी प्रेस कर दो सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आप लोग अपडेटेड रहोगे. एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय एंड आई लव यू ऑल.